आज शेयर करनी है वो यही है कि औरतें यूट्यूब पे काम नहीं कर सकती और जो सोशल मीडिया पे काम नहीं कर सकती, औरतें कारोबार नहीं कर सकती, इसकी क्या रीज़न है, क्यों नहीं कर सकती, ये भी आप लोगों से कुछ पूछूंगी और कुछ बताऊंगी इंशाल्लाह। आप अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, आजकल नॉर्मल व्लॉग्स नहीं बन रहे, उसका रीज़न आप लोग को पता है कि अम्मी की तबीयत ख़राब थी, हॉस्पिटलाइज थी, तो वो थोड़ा सा मसला था। बाकी अल्लाह पाक का करम है, अभी वो बेहतर हैं। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ आप लोगों से मैंने आज शेयर करनी है वो यही है कि औरतें यूट्यूब पे काम नहीं कर सकती और जो सोशल मीडिया पे काम नहीं कर सकती, औरतें कारोबार नहीं कर सकती, इसकी क्या रीज़न है, क्यों नहीं कर सकती, ये भी आप लोगों से कुछ पूछूंगी और कुछ बताऊंगी इंशाल्लाह। आप लोग को पता है फेसबुक पे भी मेरा पेज है और जहाँ पे मैं पोस्ट भी शेयर करती हूँ, जहाँ पे मैं वीडियो भी शेयर करती हूँ। अगर मेरे बहन भाई फेसबुक पेज पे जाना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो आज ऐसा होता है कि उधर जो नंबर है ना, जो एडमिन का नंबर होता है वो मेरे हस्बैंड का है, ग्रुप भी है उधर और पेज भी है, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड का नंबर है। तो वो एक कोई भाई है हमारे, वो मैसेज करते हैं शायद के फ़ोन करते हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी कार रिसीव करें, मैंने बहुत ज़रूरी बात करनी है सिस्टर आपसे। तो आगे से उधर बैठे हुए होते हैं मेरे हस्बैंड फेसबुक पे मैसेजेस के आंसर देने, कभी कभार मैं भी हो जाती हूँ लेकिन मोस्टली वही होते हैं, फेसबुक पे इतना मैं नहीं जाती। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको अपने हस्बैंड का नंबर देती हूँ, आप कॉल कर लें। उन्होंने कॉल की जी, कॉल हम उठाते हैं तो वो कहते हैं अच्छा आप कौन बात कर रहे हैं। उन्होंने अपना नाम बताया, मेरे हस्बैंड ने अपना नाम बताया कि मैं आयशन फीस का हस्बैंड हूँ। तो वो कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे औरतें काम करती हैं, या आपकी वाइफ काम करती हैं, या और भी जितनी लड़कियाँ काम करती हैं, तो क्या ये सही काम है कि औरतें आके सोशल मीडिया पे काम करें? ये तो बेहतरती है, ये इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में औरत सामने नहीं आ सकती, इस्लाम में। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये सॉरी कहूँगी अपने मुस्लिम तमाम बहन भाइयों को कि ये जो हमारे जो मर्द भाई हैं ये मज़हब कार्ड बहुत खेलते हैं। तो देखिए, मैं मज़हब को दरमियान में नहीं लाती इन चीज़ों पर, लेकिन मैं आपसे छोटी सी एक बात पूछना चाहूँगी, अगर किसी को बुरे लगे तो उसके लिए मैं पहले ही माज़रत कर लेती हूँ। मैं ये पूछती हूँ कि देखिए, जहाँ तक बात आ जाती है गैर महरम की, या जहाँ तक बात आ जाती है कि सोशल मीडिया पर ना आने की, या इस्लाम की, तो इस्लाम में ये भी है कि जो हमारी औरतों की आवाज़ होती है वो भी गैर महरम ना सुने। तो यहाँ पर आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, आप लोगों ने मुझे इसका आंसर देना है कि जब आप बाहर जाती हैं, घर से बाहर आपकी वाइफ जाती हैं, आपकी बहन जाती हैं, या आपकी मदर्स जाती हैं, तो वो किसी गाड़ी पे बैठ के जाती है, किसी ऑटो में जाती हैं, रिक्शे में जाती हैं, तो उसका जो ड्राइवर होता है उससे बात करके ही जाती हैं ना, हमने फलां जगह जाना है। डॉक्टर भी मेल हो सकता है, काफ़ी सारे मेल डॉक्टर होते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, उसके अलावा काफ़ी सारे होते हैं जो कि हमारा इलाज भी करते हैं, चेक भी करते हैं। उसके अलावा दुकान से कोई चीज़ की खरीदारी करती हैं, कपड़े खरीदती हैं, सब्जी खरीदती हैं, एनीथिंग, कुछ भी, चप्पल बूट, जो भी खरीदारी करती हैं वो, तो उधर भी किसी जो मर्द भाई है उससे बात करते हैं, तो क्या वो गैर महरम नहीं है? उधर आप लोगों का को इस्लाम याद नहीं आता? जब कोई औरत बैठ के सोशल मीडिया पे काम कर रही है, अपने बच्चों के लिए कर रही है, अपने लिए कर रही है, तो आप लोगों को फिर क्यों मसला हो जाता है? एक अच्छे तरीके से काम करिए तो आप लोग उठ के क्यों फ़ोन करते हो? एक तो आप लोग फ़ोन करके उस गैर महरम से बात भी करना चाह रहे हो, दूसरा आप लोग इस्लाम का नाम लेके मज़हब कार्ड खेल के बहुत ज़्यादा पवित्र भी बन रहे हो, मतलब साफ़ सुथरे बन रहे हो। तो ये एक मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी कि आप लोग दूसरों पे, तो आप लोग के पास लॉजिक नहीं होता ना कि अब हम क्या बात करें, किससे क्या बात करें। आप लोगों का वो साहब है, लग गया तो तीर, ना लगा तो तुक्का। ठीक है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जंगों में क्यों हिस्सा लिया? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी जूती के बराबर भी नहीं हैं, मेलों पे क्यों लेके जाते थे उनको, अपने पीछे खड़ा करके उनको कहते थे कि मेरे कंधे से ऊपर होके आप मेला देख लो, इतनी ख्वाहिशात उनकी पूरी की जाती थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कारोबार करती थी, तो क्या ये गलत चीज़ है? घुड़ सवारी करती थी वो लोग, तो क्या ये गलत चीज़ है कि अगर एक औरत सोशल मीडिया पे आके बात कर लेती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखती है, या अपनी डेली रूटीन शेयर करती है, तो इसमें कोई गलत बात मेरे ख्याल से नहीं है। लेकिन और बात भी वो कर रहे थे जो वो कोई देहात था जहाँ से बात कर रहे थे, किसी शहर से कर रहे थे लेकिन रहते आई थिंक वो देहात में। वो कहते हैं हम तो अपनी बच्चियों को 5-5 तक पढ़ाते हैं और उसके बाद हम उन्हें पढ़ने की भी परमिशन नहीं देते, ये ज़्यादा तालीम का असर होता है। जब औरतों को या बेटियों को, बहनों को ज़्यादा तालीम दे दें तो उसके बाद वो ये कुछ करती हैं सोशल मीडिया पर आके, फिर मतलब कि उनके साथ पर लग जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि तालीम से औरतें बिगड़ जाती हैं?
तो मेरे हस्बैंड ने उनको कहा कि अगर तालीम आप देंगे तो इसमें आपकी वाइफ का, आपकी बहन का, बेटी का फ़ायदा होगा। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नहीं होते आज, अगर आपको कुछ हो जाता है, अगर आप दुनिया में नहीं रहते, तो कल को आपकी वाइफ के पास अगर तालीम है तो वो कुछ कर सकेगी। अगर आपकी बेटी के पास तालीम है तो वो अपने आप के लिए कुछ कर सकेगी, अपने पाँव पे खड़ी होगी, मतलब कि अपने लिए वो स्टैंड ले सकती है, कमा सकती है, खा सकती है, अपनी लाइफ गुजार सकती है। तो आप लोग ये क्यों जाहिलाना किस्म की बातें करते हैं, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आती कि हमारे भाई उठ के, अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी, आजकल तो जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी कहते हैं कि हमारी बच्चियाँ पढ़ें, हमारी बच्चियाँ आगे जाएं, हमारी बच्चियाँ जॉब करें, हमारी बच्चियाँ कल को हमसे अच्छा पहनें, अच्छा खाएं, अच्छी तहजीब सीखें, अच्छी जो शहरी बने, अच्छी माँ बने, अच्छी बेटी बने, बहू बने अच्छी। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है मेरे ख्याल से। ये जो आके लोग टारगेट कर रहे होते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, औरतों की, जो औरतों की मैं कहूँगी, हमारी बहनों की जो वीडियोज़ होती हैं उनके नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं, चले कमेंट्स करते हैं, ठीक है, इट्स ओके, आपकी राय है। मैंने कभी नहीं बुरा मनाया कि कमेंट्स ऐसा नेगेटिव क्यों आता है, क्योंकि नेगेटिव जैसा आपका माइंड वैसे आपके कमेंट, जैसे आपकी तरबियत वैसे आपके कमेंट। लेकिन आप फ़ोन कॉल्स पे आके एक बंदे को कह रहे हैं कि जी आप गलत कर रहे हैं, आपकी वाइफ गलत कर रही है, या आप ऐसी पोस्ट क्यों लगाते हैं, या आप ऐसी वीडियो क्यों बनाते हैं, या आपकी औरत सामने क्यों आती है, तो ये एक बहुत गलत तरीका है। मेरे ख्याल से ऐसे आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एक बंदा है जो अपनी वाइफ को परमिशन दे रहा है इस चीज़ की, तो वो किसी वजह से दे रहा है, अपनी बेटी को दे रहा है तो किसी वजह से दे रहा है। तो मैं यही कहूँगी यहाँ पर जितने भी अगर पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, तो देखें जिस तरह आप बच्चों की तलीम व तरबियत पर फोकस करते हैं, उस तरह बच्चों की भी तलीम व तरबियत पर हमें फोकस करना चाहिए। बच्चों को इस चीज़ की आज़ादी देनी चाहिए कि वो जो चीज़, जो फील्ड वो चुनना चाह रही हैं अपने लिए, पढ़ना चाह रही हैं, तो एटलीस्ट पढ़ाना तो चाहिए उन्हें इस चीज़ से कि पांच पढ़ा के आप बस करा दें या उनकी शादियां करवा दें कि वो कल को ख़राब हो जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि तलीम से कोई भी बच्ची ख़राब हो सकती है। तो बस ये थोड़ी सी आज बात थी, मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी। बाकी इंशाल्लाह डेली ब्लॉग कल से ज़रूर आएंगे, मैं कोशिश करूँगी। थोड़े से बीच में हो गए थे ख़राब, लेकिन बहन को दुआ में याद रखना, कोई चीज़ बुरी लगी तो उस पर सॉरी। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छे से प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।